हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन काउंसिल में। दोस्तों आज है 22 अगस्त। 22 अगस्त के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑल कंपटीशन एग्जाम के करंट अफेयर्स भाग के, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एडगर चागवा लुंगू किस देश के राष्ट्रपति है? गिनी, बेनिन, जाम्बिया, दक्षिण कोरिया। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन देखने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने क्या है अभी आपके भारत की, आपके प्यारे देश भारत की अभी 3 दिवसीय यात्रा की है। ये अभी 20 अगस्त को आपके दिल्ली में आए हैं। अगर आपके भारत की कोई भी या राष्ट्रपति या कोई भी प्रधानमंत्री अगर यात्रा करता है या दौरा करता है, तो वो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस देश की करेंसी, कैपिटल, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर है, वो आपको पूछा ही जाता है। तो ये हैं आपके जाम्बिया के राष्ट्रपति। अब देखिए दोस्तों, ये देखो, ये भी 20 अगस्त को आपके दिल्ली में प्रस्थान हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, जाम्बिया के बारे में देखते हैं क्योंकि जाम्बिया भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, ये मैप में जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये है आपके जाम्बिया। अब जाम्बिया आपके एक अफ्रीका का देश है। जाम्बिया की राजधानी आपके लुसाका, राष्ट्रपति आपको पता ही एडगर चागवा लुंगू है, और यहाँ के आपके प्रधानमंत्री नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति हैं आके आपके इनोंगे मुटुकवा वीना, और मुद्रा है आपकी क्वाचा। देखिए दोस्तों, मुद्रा इसकी सबसे अलग है आपके क्वाचा, तो क्वाचा आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC की COP25 की बैठक कौन सा देश मेजबान कर रहा है, कौन सा देश उसका मेजबानी करेगा? स्विट्जरलैंड, रसिया, चिली या फ्रांस? ये करेगा आपके चिली। अब देखिए दोस्तों, चिली के बारे में देखते हैं। दोस्तों ये देखिए आपके मैप में, ये है आपके चिली जो आपके साइड में दिखाई दे रहा है एक, ये है आपके चिली। अब चिली की कैपिटल है आपके सेंटियागो, और यहाँ के प्रेसिडेंट है आपके सेबास्टिन पिनेरा, और ये एक साउथ अमेरिकन देश है, और इसकी करेंसी है आपके पेसो। तो ये चीज़ें आपको चिली के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जेसी बोस फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा, बताइए दोस्तों। ये मिलेगा आपके केथंग राज को। अब देखिए दोस्तों, ये केथंग राज जी कौन है? ये आपके काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के चीफ साइंटिस्ट है। अब ये अवार्ड इनको क्यों दिया जा रहा है? ये अवार्ड दिया जा रहा है इनको, इन्होंने पॉपुलेशन और मेडिकल जेनोमिक्स में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि इनका जो कंट्रीब्यूट था वो अतुलनीय था। इन्होंने पॉपुलेशन और मेडिकल जेनोमिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, इसके लिए इनको जेसी बोस फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NGT ने निम्नलिखित में से किस नदी में अवैध रेत खनन की जाँच के लिए एक समिति बनाई है? NGT का मतलब होता है आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इन्होंने अभी एक कमेटी बनाई है, जो भी आपके नदी के अंदर अवैध रेत खनन होता है, अपन जैसे बोलते हैं जैसे बजरी निकालते हैं, बजरी होती है आपके जो मकान बनाने में काम में आती है, उसका जो खनन होता है उसके लिए, उसको रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वो कौन सी नदी के लिए बनाई है? वो बनाई है यमुना नदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पहला आवासीय न्यायालय शुरू करेगा। आवासीय न्यायालय का मतलब होता है दोस्तों वर्चुअल कोर्ट, जिसमें आपके ट्रैफिक चालान जो केस होते हैं किसी भी स्टेट के, वो उस कोर्ट में आपके सॉल्व होते हैं। तो ये खुलेगा आपके फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने किसको क्लास ए जहर के रूप में अधिसूचित किया है? क्लास ए जहर में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब जहरीला होता है ये जहर, तो ये है आपके निकोटीन, जो कि आपके ई सिगरेट में पाया जाता है और ये हाईली टॉक्सिक केमिकल होता है। कौन सी टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत? अभी दोस्तों आपकी जो खिलाड़ी है उनकी टेस्ट रैंकिंग आई थी, उसमें भी आपको पता होना चाहिए, उसमें आपके विराट कोहली टॉप पे थे और स्टीव स्मिथ उससे ज़्यादा नीचे नहीं थे, वो आपके उनके 9 पॉइंट ही नीचे थे, वो जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। थर्ड नंबर पे थे आपके केन विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, PM मोदी ने हाल ही में किस देश में मगदेछू पन बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया? अगर आप मेरे वीडियो रोज़ देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको 2-3 दिन से लगातार बता रहा हूँ कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भूटान की यात्रा पर गए हुए थे। उन्होंने 2 दिवसीय यात्रा की भूटान की,
तो वहां उन्होंने मगदेचू पनबिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है। अब भूटान के बारे में देखते हैं दोस्तों। भूटान की कैपिटल आपके थिम्पू, प्राइम मिनिस्टर आपके लोटे तेसरिंग, और यहाँ के किंग भी देख लीजिए, किंग है आपके जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक। अब करेंसीज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे अलग है इसकी करेंसी, उसकी करेंसी है आपके नगुल ट्रम, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये आप मैप में भी देख लीजिए भूटान को, मैप में ये जो मैप नेपाल के पास में है आपके, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है वह है आपके भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटलिना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई तैराक कौन बने? जो आपके अमेरिका का चैनल है कैटलिना चैनल, उसको पार करने वाले पहले एशियाई तैराक बने हैं, और ये दिव्यांग भी है। ये हैं आपके सत्येंद्र सिंह लोहिया, जो कि आपके मध्य प्रदेश के हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। इन्होंने 11 घंटे 34 मिनट में इस चैनल को पार कर लिया, और इनके नाम इंग्लिश चैनल को भी पार करने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी डबल डेकर उदय एक्सप्रेस विशाखापट्टनम और किसके बीच में चलेगी? जो आपके दूसरी डबल डेकर उदय एक्सप्रेस है वो किनके बीच में चलेगी? विशाखापट्टनम और किसके बीच में चलेगी? तिरुपति या विजयवाड़ा या बेंगलुरु या गुंटूर? अब दोस्तों मैं आपको दूसरी डबल डेकर के बारे में तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको जो पहली उदय एक्सप्रेस चली थी उसके बारे में भी पता होना चाहिए। वो चली थी आपके कोयम्बटूर टू बेंगलुरु के बीच में, और आपके दूसरी जो ट्रेन है उदय एक्सप्रेस वो चलेगी आपके विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच में। ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार की ट्रेन होगी, डबल डेकर ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने स्टार्टअप पुरस्कार जीता? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। यह जीता है आपके आईआईटी दिल्ली ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? अभी आपको पता है उसकी घोषणा की गई है, जो आपके नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं उनकी घोषणा की गई है। तो ये पहले तो आपको 2018 के पता होना चाहिए। 2018 में आपको मिले थे विराट कोहली और मीराबाई चानू को, और 2019 में आपको ये अवार्ड मिले हैं दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को। देखिए दोस्तों, मैं आपको कल सुबह 10 बजे जो आपके नेशनल स्पोर्ट अवार्ड है उनकी पूरी लिस्ट आपको मैं एक वीडियो में बताऊंगा, तो आप देखना मत भूलिएगा दोस्तों। सुबह कल 10 बजे इसका एक वीडियो आ जाएगा हमारे चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोबोटिक्स और 5G के लिए IISc के साथ किसने साझेदारी की घोषणा की? पहले तो देखते हैं IISc क्या होता है। ये होता है आपके भारतीय विज्ञान संस्थान। अब इन्होंने रोबोटिक्स और 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये की है आपके विप्रो के साथ। अब विप्रो के बारे में देखते हैं। विप्रो की स्थापना हुई थी आपके 29 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर आपके बेंगलुरु में है। इसके चेयरमैन है आपके रसिद प्रेम जी, जो कि आपके अजीज प्रेम जी के बेटे हैं। इसके CEO अभी आपके हैं अभी अभी डाली निमच्वाला। और ये आपको इस क्वेश्चन के बारे में पूरी चीज़ पता होनी चाहिए दोस्तों। आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, अगर उस क्वेश्चन के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है तो वो आपके क्वेश्चन किसी भी मतलब का नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो उसमें जो पूरी जानकारी दी हुई है, किसी भी कंपनी का नाम दिया हुआ है, किसी भी स्टेट का नाम दिया हुआ है, किसी भी कंट्री का नाम दिया हुआ है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मोबाइल टेटेलिक रैंप का डिजाइन किसने तैयार किया? मोबाइल मेटेलिक रैंप का डिजाइन किसने तैयार किया? इसरो, DRDO या रिलायंस या टाटा? यह किया है आपके DRDO ने। अब DRDO की फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है आपके डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी आपके 1958 में, और हेडक्वार्टर है आपके नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन है अभी आपके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत केन्या JTC के 90वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? अब इसमें एक वर्ड आया है JTC। JTC का मतलब होता है संयुक्त व्यापार समिति, यानी कि भारत और केन्या के बीच में जो संयुक्त व्यापार होता है उसकी समिति की आयोजन कहाँ हुआ है? वो हुआ है अभी आपके नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने केडीज स्पेन में पड़ाव पतन किया? कौन से अभी जो भारत का नौसेना जहाज है जिसने केडीज, जो कि आपके स्पेन में है, वहाँ अभी उसका दौरा किया है? वो है आपके INS तर्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की क्रेडिट कार्ड कंपनी जारी करने के लिए NPCI के साथ साझेदारी की है?
वो क्या है, आपके जापान की कंपनी है, उन्होंने NPCI के साथ अभी साझेदारी की है। अब दोस्तों जापान के बारे में देखते हैं। जापान की कैपिटल है आपके टोक्यो, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे, और करेंसी है यहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? 20 अगस्त, 19 अगस्त, 18 अगस्त, 17 अगस्त। दोस्तों आपके कोई भी महीना होता हो, अगस्त हो, जनवरी हो, फरवरी हो, उसके जो भी आपके इम्पोर्टेंट डे होते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, या मैं आपको वो डे बताता हूँ, उनको आप एक कॉपी में सीक्वेंस वाइज लिख लीजिएगा, और उनको आप रोज़ रिवाइज करिए, जिससे वो आपको याद हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं, वो आपको मैं पूरे सिक्वेंस वाइज में बताता हूँ। पहले आप देखते हैं, 6 अगस्त को होता है आपके हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को होता है आपके राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, 9 अगस्त को होता है नागासाकी दिवस, 10 अगस्त को होता है आपके नागा सॉरी विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त को होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 19 अगस्त को होता है आपके विश्व मानवतावादी दिवस, और 19 अगस्त को होता है एक और दिया होता है आपके विश्व फोटोग्राफी दिवस, और 20 अगस्त को होता है आपके सद्भावना दिवस, और 20 अगस्त को ही होता है आपके विश्व मच्छर दिवस। तो ये आपको जैसे मेरे को याद है दोस्तों सीक्वेंस में, वैसे ही आपको पूरे दिवस याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको दिवस का देखने को ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? जो पाकिस्तान के आपके चीफ है आर्मी के, उनका अभी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उनका 3 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो उन चीफ का नाम क्या है। उनका नाम है आपके जनरल कमर जावेद बाजवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पुस्तक के लेखक कौन है? अभी एक पुस्तक लिखी गई है शिक्षा, जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके लेखक कौन है? अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, मनीष सिसोदिया, अशोक गहलोत। उसके लेखक आपके जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, वो उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। बाबूलाल गौर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? बाबूलाल गौर वो कौन थे? लेखक थे, राजनेता या संगीतकार या निर्देशक? वो एक राजनेता थे। ये देखिए दोस्तों, ये हैं बाबूलाल गौर, और ये 2004 में आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, और ये गोविंदपुरा सीट है मुख्यमंत्री सॉरी दोस्तों गोविंदपुरा सीट है आपके मध्य प्रदेश की, वहाँ से ये 10 बार MLA भी रह चुके हैं। तो इनका आपको पता होना चाहिए कि ये 2004 से 2005 के बीच में आपके मुख्यमंत्री रहे थे। ज़्यादा इनका टेनओवर नहीं था, लेकिन ये मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर कीजिए, और कमेंट में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन के बारे में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप पूछ सकते हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।